महिला कांस्टेबल को मारने की धमकी। लड़की की फेक आईडी बनाने के केस के आरोपी ने फोन कर धमकाया। व्हाट्सएप पर भेजे अश्लील ऑडियो मैसेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक महिला पुलिस कांस्टेबल उसके पति को जान से मारने की धमकियां देकर गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला कांस्टेबल ने करदनी थाने में सोमवार को केस दर्ज करवाया, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर मोती लाल को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक परिवादीय महिला कांस्टेबल करधनी थाने में ही पदस्थापित है। उसने रिपोर्ट में बताया कि एक युवती ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर अभद्रता करने का परिवाद दर्ज करवाया था, जिसमें सुनील ढाका नाम के युवक पर आरोप लगाया था। इस शिकायत की जांच महिला कांस्टेबल को सौंपी गई थी। उसने युवती की शिकायत में नामजद आरोपी सुनील ढाका से पूछताछ के लिए उसके मोबाइल नंबरों पर फोन कर संपर्क किया। तब सुनील ढाका ने बताया कि वे विशाखापट्टनम है, वे अनुसंधान के लिए पेश नहीं हुआ। तब पुलिस ने सुनील ढाका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसकी जांच करधनी थाना अधिकारी को सौंपी गई। मुकदमे में नामजद आरोपी के घर दबिश थी तो जान से मारने की धमकियों से भरे कॉल आए। सुनील ढाका की तलाश के लिए पुलिस ने उसका घर सीकर में होने का पता चला। 3 दिन पहले करधनी पुलिस ने सुनील के सीकर स्थित घर पर दबिश दी, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आया। इसके बाद सुनील ढाका ने महिला कांस्टेबल के मोबाइल नंबर पर 17 अक्टूबर को देर रात 11 बजे फ़ोन किया। ये फ़ोन कांस्टेबल के पति ने रिसीव किया। तब सुनील ढाका ने गाली गलौज शुरू कर दी, वह जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने व्हाट्सएप पर भी कॉल किए, लेकिन कांस्टेबल के पति ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। तब आरोपी ने अश्लील वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग भेजी। तब कांस्टेबल को उसके पति ने जगाया, फिर उसे पूरी बात बताई। वे दोनों डर गए। अगले दिन कांस्टेबल ने थाने में केस दर्ज करवाया। जय हिंद।